माय नेम इज सिदिका नोरीन फ्रॉम fxforever.com। मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड का एनालिसिस शेयर किया था फ्राइडे वाले दिन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कि आपको बताया था कि ये अगर अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद हम इसकी एंट्री लेंगे। लेकिन हम इसकी एंट्री नहीं ले पाए थे। वो इसकी मेन वजह ये थी कि ये अपनी जगह पे इसने होल्ड नहीं की पोजीशन, और ये अगेन डाउन साइड में आ गया। क्योंकि अभी आप देखें तो गोल्ड अपनी रेंज में मूव कर रहा है। मैं चार्ट क्लियर कर देती हूँ। गोल्ड रेंज में मूव कर रहा है, और गोल्ड जो है अपने इस एरिया को ब्रेक करे तब हम इसकी सेल की एंट्री लेंगे। यानी ये एरिया तकरीबन बनता है 1793 या 1794 का। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें तो इसका डिमांड एरिया ये बना हुआ है। ये इसका एक डिमांड एरिया है, उसके बाद इसका एक डिमांड एरिया अभी के हिसाब से जो बन रहा है वो यहाँ पे, और थर्ड जो इसका एरिया है गोल्ड में एंट्री लेने के लिए। गोल्ड जो है उसको गोल्ड को हम 1800 से ऊपर हम इसको बाय करेंगे। ये ऊपर 1800 से ऊपर इसको होल्ड करेगा तो हम इसकी बाय की एंट्री लेंगे। और अगर ये अपना एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया को ब्रेक कर देता है, मैं यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी लिख देती हूँ, 1794। प्राइस एक्शन के लेवल से अगर ये 1794 को ब्रेक करेगा, 1794 के बिलो ब्रेक होके ये अपनी कैंडल को होल्ड करेगा तो हम यहाँ से सेल लेंगे। और इसकी जो बाय एंट्री है वो है 1800। देखने में हम इसको बाय ही देखेंगे, लेकिन और जिस तरफ भी इसने मूव करनी है, और अच्छी खासी ये मूव करेगा, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। और अगर ये सेलिंग में गया तो सेलिंग में भी आपके पास, मैं आपको बता दूं टारगेट क्या है। सेल में इसका टारगेट 1750। अभी के हिसाब से जो गोल्ड है, गोल्ड अपनी इस रेंज में चल रहा है। अपने पास कोशिश किया करें, अपने पास भी ऐसे ही ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल ऐसे लगाया करें। लगा के हमें पीएम में सेंड कर दिया करें, फेसबुक ग्रुप में आप हमें सेंड कर सकते हैं अपने एनालिसिस, आप टेलीग्राम पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप कमेंट करते ही करते हैं। बाकी ये ज़रूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस हमारा कैसा लगा। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब तक कैंडल आपकी जो है वो इस एरिया से डाउन स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज ना हो, H1, H4, Day 1 की और H4 की जो कैंडल है वो वाली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग डे बाइंग में या सेलिंग में, तो फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट किया करें। जैसे कि आप ये वाली कैंडल आप देख रहे होंगे, ये वाली कैंडल, इसने यहाँ पे अपना लेवल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वो थोड़ा सा डाउन आया, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। यहाँ से एंट्री लेने का मकसद ये है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ही एंट्री ले लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें। हमारे साथ ज़रूर शेयर करें आपको एनालिसिस कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।